क्या बात है, आ गए घूम फिर के इसी वीडियो पे। मैं भी कुछ दिन पहले तुम्हारी तरह ही घूम फिर के ऐसे वीडियो देखता था। कैसे समय बचाऊं, कैसे समय का सदुपयोग करूं, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था। क्या आप भी समय बर्बाद करते हो? दोस्तों, हमारे पास 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से अगर 8 घंटे आप आराम से नींद निकालते हो, 2-4 घंटे और दूसरा काम भी करते हो, उसके बाद भी आपको पर्याप्त 10 घंटे मिलते हैं। दोस्तों, 10 घंटे, ये वही घंटे जो कुछ चुनिंदा लोगों को मिलते हैं जो आज दुनिया में सक्सेस है। क्या तुम भी समय बर्बाद करते हो? मैं भी आपकी तरह कुछ साल पहले, कुछ समय पहले ऐसे ही समय बर्बाद करता था। फिर मुझे समझ में आई कि यार, हमारी जिंदगी कितनी जल्दी निकल रही है। हम क्या कर रहे हैं? बस सोते हैं, खाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, घूम फिर आते हैं, लड़कीबाजी कर लेते हैं, बस। क्या ये जिंदगी है हमारी? नहीं दोस्तों, जिंदगी में आए हैं, हमको जीवन मिला है, एक इंसान का जीवन मिला है, तो कुछ करने के लिए मिला है। सोचो, आप बैठे हुए हो वो कुछ काम सोचो, उठो, अभी उठो, क्या करना उस काम को निपटाओ। देर मत करो, मत सोचो कि यार मैं कल काम करूंगा, नहीं, आज काम निपटाओ। आप काम करते जाओगे, करते जाओगे, आपकी सक्सेस बढ़ती जाएगी। आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आप फालतू काम में आपको समय बर्बाद करना है। आप हमेशा सही कामों में लगे रहोगे। आप सोचो कि मेरे को क्या काम करना है, फ्री बैठना नहीं है मेरे को, बस। कुछ समय पहले मैं भी ऐसे ही करता था, दिन भर घूमता था, इधर उधर मस्ती करता था, मोबाइल चलाता था, फालतू के काम करता था। पर फिर मेरे को समझ में आया कि यार, हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए, हमारा क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं, हमारी मृत्यु कब हमारे सामने आ जाएगी हमको मालूम नहीं है, फिर भी हम हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। फिर हम बोलते हैं, यार मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। किसी का सपोर्ट नहीं भाई, जब पैदा हुए थे ना हम तो अकेले आए थे, भगवान ने हमारे साथ किसी को भेजा नहीं था कि ये तेरा सपोर्ट करेगा। कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता, हमको खुद की सपोर्ट करना है। और ये बात ध्यान रखना है कि हम खुद मेहनत करेंगे तो उसका फल किसको मिलेगा? हमको मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। यार हम सोचते हैं, यार मैं मेरे माँ बाप के लिए पढ़ लूँ, मैं मेरे बाप के लिए मेहनत कर लूँ, मैं मेरी गर्लफ्रेंड को ये गिफ्ट दूंगा, मेरी पत्नी के लिए ये काम कर लूँ। नहीं यार भाई, खुद मेहनत करोगे ना तो खुद को मिलेगा, और वही सक्सेस में मजा आता है। यार आपके पास पैसा होगा ना तो हर कोई घूम फिर के आ जाएगा, आपको किसी दोस्त की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी के प्यार की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसा में इतनी ताकत होती है कि वो सब रिश्ते नाते आपसे जोड़ देता है। आपको जो पहचानता नहीं होगा ना, वो भी आपसे प्यार करने लग जाएगा, वो भी आपका दोस्त बन जाएगा। तो दोस्तों, मत समय बर्बाद करो, बहुत समय बर्बाद कर लिया। और कोई देर नहीं होती है, कोई काम करने की उम्र नहीं होती। मैकडोनल्ड ने जो उसका ऑनर है, 53 साल की उम्र में उसको चालू करा था और आज कहाँ पे पूरी दुनिया में फैल गई है वो। तो ये मत सोचो कि यार आपकी उम्र 30 हो गई है, 35 हो गई है, 40 हो गई। नहीं यार, सब छोड़ो, आज से, आज अभी से, अभी देखो अभी क्या कर सकते हो, आपके पास कौन सा काम पेंडिंग है, खड़े हो उस काम को निपटाओ। मत सोचो कि कल करूंगा, मत सोचो एक घंटे बाद करूंगा, नहीं, वो काम मेरे को अभी करना है। और हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है पता, हम बहुत सारी प्लानिंग कर लेते हैं, सोच लेते हैं, पर वो काम कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते हो यार? आप प्लानिंग करो, आप एक किताब में लिखो, एक कॉपी में लिखो आप कि मुझे आज ये काम निपटाना, और वो काम किसी भी हालत में निपटाना ही है, कुछ भी हो जाए। वो काम निपटाए बिना आपको दूसरा काम करना नहीं यार, खाना भी नहीं खाना यहाँ तक। आप काम करो तो सही, काम करने की दुनिया में कोई कमी नहीं है। बोले जो फालतू का रोना गाना गाते हैं ना यार, बेरोजगारी बेरोजगारी, मेरे पास काम नहीं। यार क्या काम नहीं है? ग्रेजुएशन करके तुम्हारे पास काम नहीं है? 8वीं पास, 5वीं पास, मजदूर 250-300 रुपए रोज कमा के ले जाता, आपके पास काम नहीं है, आप कैसे बेरोजगार हो? वो काम कर रहा है, आप काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ सोच रहे हो, सिर्फ ये फर्क है। आप बेरोजगार हो और उसके पास रोजगार है। आप 250-300 रुपए मजदूर की मजदूरी जोड़ो, 9,000-10,000 रुपए महीना कमाता है वो अनपढ़ व्यक्ति, और आप लोग ग्रेजुएशन करके, अच्छी तैयारी करके, कुछ कुछ लोग तो इंजीनियरिंग करके घूम रहे हैं। यार मत घूमो, ये सब फालतू चीजें हैं। जो काम मिले वो करो, कोई छोटा नहीं होता यार। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर काम आपको छोटा लगता तो प्रफुल्ल बिल्लोर है, MBA, चाय वाला, चाय का ठेला खोल लिया, और आज कहाँ है? सोच बड़ी रखो, काम छोटा बड़ा नहीं होता, आपकी सोच छोटी बड़ी होती है। इसलिए उठो, सब छोड़ो, अब इस कोई सा वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं। मत साला मोटिवेशनल वीडियो कभी यूट्यूब पर सर्च करना, कुछ मत करना, मेरी बात मानो। आपके भाई ने खुद प्रैक्टिकल करा हुआ, मैं खुद आपकी हालत में था, मैं कुछ समय बर्बाद करता था ऐसे, पर मैंने सोचा कि यार मैं सीख रहा हूँ तो मैं भी आप लोगों को सिखाऊं। भाई खड़े हो जाओ, काम करो, मैं सही बता रहा हूँ आपको, बहुत समय है आपके पास, बहुत दुनिया में काम है, बहुत इनकम के सोर्स है, करो तो सही, कर लो। अगर वीडियो पसंद आया हो आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे साथ बने रहना, क्योंकि आपका भाई भी सीख रहा है और आपको भी सिखा के जाएगा, मैं भी सीखूंगा, आप भी सीखो यार। क्योंकि आप बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकरों का वीडियो देखोगे तो पहले से ही सीखे होंगे। हम साथ में सीखते आओ, कुछ आप करें, कुछ हम करते हैं,
चलो खड़े और आज से काम निपटाना शुरू करो। मत सोचो, सब छोड़ दो, दुनिया की फिक्र मत करो और शर्म छोड़ दो। काम में कोई शर्म नहीं होती है। खड़े हो। धन्यवाद।